are you all? Hope you are doing good. Welcome back to our EVS learning. Kids, we live in India. Our country, India, is located in the continent of Asia. As you can see in this picture, there are many other countries like China, Nepal, Pakistan, and UAE, United Arab Emirates, which are also part of Asia. Kids, today we shall talk about UAE, United Arab Emirates, which is located to the west of India, and its capital city is Abu Dhabi. In today's chapter, we shall learn about dissimilarities and similarities between people, places, climate, clothing, housing, etc. of India and UAE. So kids, let's begin with chapter number 23, Home and Abroad, part 1. So kids, firstly, let's understand the meaning of home and abroad. Kids, home का मतलब तो आपको पता है, यानी कि घर, the place where member of family resides, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी family members के साथ, right? Whereas abroad means overseas, यानी foreign countries, हमारे देश के बाहर, out of the country. So today we shall learn about home and abroad. Since morning, everybody has been running around at Zeal's house. Arvind uncle and his family were coming home after 5 years. So, सुबह से ही Zeal के घर पे लोग यहाँ से वहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं, क्योंकि Zeal के अंकल यानी अरविंद अंकल और उनकी फैमिली 5 साल के बाद घर आ रही है. 5 years ago, Arvind uncle got a job in Abu Dhabi. So, 5 साल पहले Arvind uncle को Abu Dhabi में job मिली थी. Now, ये Abu Dhabi क्या है? So, kids, Abu Dhabi is the capital city of United Arab Emirates. इसे short form में UAE कहते हैं. Here, see the map. This is the world map. Here, we can see our lovely India. Right? यह रहा इंडिया और उसके वेस्ट में यू कैन सी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अबू धाबी सिटी. राइट? सो दिस इज़ वेयर अबू धाबी इज़ लोकेटेड. ओके? सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर. Zeal एंड हर फादर वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम. तब से अरविंद अंकल और उनकी फैमिली वहीं पे रहते हैं और Zeal और उनके पापा आज उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने जा रहे हैं. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. जब प्लेन लैंड हुआ तो पैसेंजर्स को थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि उनको उनका लगेज कलेक्ट करना था. एट लास्ट अरविंद अंकल, नीता आंटी एंड देयर चिल्ड्रन कुड बी सीन कमिंग आउट. एट लास्ट में अरविंद अंकल, नीता आंटी और उनके बच्चे बाहर आते हुए दिखाई दिए. हाउ बिग हेंसी एंड पल हैव ग्रोन, फादर सेड. सो Zeal के फादर ने कहा, कितने बड़े हो गए हैं हेंसी एंड पल. हेंसी और पल कौन है? अरविंद अंकल के दोनों बेटियाँ. राइट? Soon many suitcases and bags were loaded into the taxi and everyone was on the way to Zeal's house. So, वो लोग ने एक टैक्सी हायर की और सारे suitcases और bags लोड किए टैक्सी में और सब लोग Zeal के घर पे चले गए टैक्सी के अंदर. Hensi, you must be very tired after such a long journey. Father told me that Abu Dhabi is far from India, said Zeal. Zeal ने हेंसी को कहा कि हेंसी, तुम ये लंबी जर्नी से थक गए होगे. मेरे पापा ने मुझे कहा कि अबू धाबी इंडिया से बहुत दूर है. वी आर नॉट टायर्ड इवन दो इट इज़ फार. आर फ्लाइट टुक ओनली 2 आवर्स. द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट, सेड हेंसी. सो हेंसी ने
जवाब दिया कि हम थके हुए नहीं हैं, हम टायर्ड नहीं हैं। माना कि अबू धाबी इंडिया से बहुत दूर है, लेकिन हम लोग प्लेन में आए हैं और हमारी फ़्लाइट ने सिर्फ 2 घंटे ही लिए अबू धाबी से यहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि प्लेन जो है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आप सबको तो पता है किड्स। Zeel was surprised. She remembered that when she had gone on school trip to Delhi, they had spent almost 20 hours in the train. And on the map, Junagadh and Delhi seemed quite near. So Zeel एकदम surprised हो गई। उसको याद आया उसकी school trip. उसने सोचा कि जब मैं school trip पे गई थी Delhi, तब मैंने train में 20 घंटे निकाले थे। और अगर हम मैप पे भी देखें तो जूनागढ़ एंड दिल्ली का डिस्टेंस इतना दूर नहीं है, नज़दीक दिखाई देता है। और ये अबू धाबी इतना दूर है, फिर भी फ्लाइट में सिर्फ 2 ही घंटे लगे। सो शी वॉज सरप्राइज्ड। Zeel, Hensi एंड Pal चैटेड ऑल द वे टू होम फ्रॉम द एयरपोर्ट। Zeel, Hensi और Pal चैट करते जा रहे थे फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट टू होम। Zeel remembered how much fun she had on her school trip. She wanted Hensi to tell them all about her trip from Abu Dhabi. Zeel को अपनी school trip बहुत अच्छे से याद है कि उसने कितना fun किया था, कितना enjoy किया था, कितना मज़ा किया था। अब वो चाहती थी कि Hensi Abu Dhabi से अपनी trip के बारे में उन लोगों को बताए। She wanted to know from Hensi about her trip from Abu Dhabi. Next, sand all around. You have seen many interesting things from the plane, isn't it? Asked Zeel. Zeel ने Hensi और Pal को पूछा कि तुम लोगों ने शायद बहुत ही interesting things देखी होगी plane से, है ना? Most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high. Even higher than the clouds, said Hensi. But before it went so high, we could see that we were flying over sandy areas. सो Hensi अब रिप्लाई करती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग ने सिर्फ क्लाउड्स ही देखे, क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा था, क्लाउड्स से भी ऊपर, हायर देन द क्लाउड्स। पर वो ऐसा भी बोल रही है कि इससे पहले कि ऊंचाई तक जाते, हम लोग ने देखा कि हम लोग सैंडी एरियाज़ के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। सैंडी एरियाज़ यानी समझो रेगिस्तान जैसे डेजर्ट एरियाज़। It was sand, but the color of sand kept changing, white, brown, yellow, red, black. We saw mountains made of only sand. They are called sand dunes, added Pal. So now Hensi बोल रही है, उसमें Pal भी अपनी opinions add कर रही है, and she is telling के बोलते हैं हम लोग sandy area से जब fly कर रहे थे तब हम लोग ने देखा कि sand का color जो है वो change होता गया, कभी white, कभी brown, कभी yellow, कभी red, कभी black, और हम लोग ने तो mountains भी देखा जो सिर्फ sand से बने हुए थे, उसे हम कहते हैं sand dunes. So kids, ये sand dunes जो है ना वो एक ढेर है sand का जो wind के through form होता है कोई डेजर्ट एरिया पे, जब विंड ब्लो करती है ना तो सैंड को लेकर एक ऐसा माउंटेन जैसा क्रिएट हो जाता है। ओके, आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड Zeel। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड अरविंद भाई। सो Zeel इज सेइंग कि मैंने तो सिर्फ सैंड को सी शोर पर ही देखा है, बीच एरियाज में, राइट? तो अरविंद भाई इज टेलिंग कि तो फिर तुम्हें हमारे यहाँ पे विजिट करने आना चाहिए। Now moving further, the countries around Abu Dhabi are located in a desert area. Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. No trees, no greenery, just sand. So ये जो अबू धाबी के आजू बाजू में जो countries located है ना वो पूरी desert area पे located है। अगर कोई थोड़ा भी drive करता है city area से तो भी उसे sand दिखाई देगा, वहाँ पे ना trees है ना greenery है, सिर्फ sand ही sand है। Okay? I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Gujarat, said Neeta aunty. I'm so happy to see all these after such a long time. Now Neeta aunty भी अबू धाबी में रहती थी, right? So she is telling कि मैं ड्रीम करती थी कि कब ये ग्रीनरी और ये कूल वाटर जो हमारे गुजरात के घर के आसपास है ये मैं देख पाऊँ। अब मैं बहुत खुश हूँ
एज मैं ये सारी चीज़ें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देख सकती हूँ, देख पा रही हूँ. द चिल्ड्रेन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ दे फील व्हेन इट रेन्स. यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन द डेजर्ट एरियाज. वाटर इज रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर. सो शी इज़ फर्दर सेइंग दैट बच्चे तो भूल ही गए हैं कि बारिश होने पर उन्हें कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में शायद ही कभी बारिश होती है. वाटर इज़ रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर. वहाँ पे पानी का महत्व बहुत है, इम्पॉर्टेंस बहुत है, बहुत ही प्रेशियस है. नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स, इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर. सो वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पे नदियाँ नहीं हैं, वहाँ पे लेक्स नहीं हैं, वहाँ पे पॉन्ड्स नहीं हैं, और ग्राउंड के नीचे भी पानी नहीं है. बट देर इज़ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल. सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज, एडेड पल. सो पल फिर ऐड करके बोलती है कि भले वहाँ पे पानी नहीं है, रिवर नहीं है, लेक नहीं है, लेकिन सैंडी सॉइल के नीचे बहुत सारा ऑयल है, ऑयल मिलता है, इसीलिए इस कंट्रीज़ में पेट्रोल इजीली अवेलेबल होता है. इनफैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, सेड अरविंद अंकल. अरविंद अंकल फिर ऐड करते हुए बोलते हैं कि इनफैक्ट पानी से ज़्यादा सस्ता, चीप तो पेट्रोल मिलता है वहाँ पर. By this time, all reached Zeal's house. Hensi and Pal were surprised to see so many fruit trees. इतने टाइम में चैटिंग करते करते सब झील के घर पे पहुंच गए, और पहुंचते ही हेंसी और पल सरप्राइज्ड हो गए कि यहाँ पे कितने सारे फ्रूट ट्रीज़ हैं. कोकोनट्स, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया, बिटल नट, सो मेनी काइंड ऑफ ट्रीज. पल सेड वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम्स, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन बी ग्रोन इन द डेजर्ट. सो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया, बिटल नट, बहुत काइंड ऑफ ट्रीज थे. लेकिन पल ने कहा कि हम लोग तो वो डेजर्ट एरिया में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ ट्री को ग्रो होते हुए देखते हैं, वो है डेट पाम्स, बिकॉज वही वहाँ पर ज़्यादा उगते हैं डेजर्ट एरिया में. I'll come back with some more interesting facts in part 2. Till time, bye, take care, have a wonderful day.